हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग से लेकर। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आई है कि आपका जो बीएससी नर्सिंग जो सेकेंड काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है आरयूएचएस के द्वारा। तो वो सारी जानकारी देखेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में, और ये भी बताएंगे दोस्तों कि जो काउंसलिंग है वो आपको किस प्रकार करानी है। और दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए, छोटी से छोटी अपडेट आए तो आप तक जरूर पहुंचे। और यहाँ से दोस्तों आपको एक बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती है और आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाता है। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहाँ आपको हम जवाब दे देंगे टाइम मिलते ही। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको दोस्तों चेक कर लेना है जो शेड्यूल है वो बीएससी नर्सिंग का। वैसे तो उन्होंने क्या है, ये शेड्यूल 12 तारीख को ही जारी करके रखा था, लेकिन आज जो है आरयूएचएस की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आज शो हो रहा है। देख सकते हो आप काउंसलिंग शेड्यूल फॉर नर्सिंग, तो 12 तारीख को ही वहाँ उन्होंने जो है शेड्यूल जारी करके रख रखा था, लेकिन उन्होंने आज यहाँ पर शो किया है। तो ये 12 तारीख को ही डाल दिया था, लेकिन आज शो किया है यहाँ पर। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों आप यहाँ पर सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो इस प्रकार जारी किया गया है। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर बीएससी नर्सिंग अलॉटमेंट सेकंड राउंड, ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये आपका पहला दे रखा है, ये पहले में क्या दे रखा है, पब्लिशिंग ऑन टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स फॉर सेकंड राउंड। दोस्तों, आपका जो है सीट मैट्रिक्स 18 तारीख को सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, आपकी 18 तारीख को सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। उस सीट में आपको दे रखा होगा जैसे वैकेंट सीट के बारे में दे रखा होगा और फुल सीट के बारे में दे रखा होगा। तो जैसे किसी कॉलेज में 30 सीटें हैं तो उसमें 15 सीट फुल हो जाती है, किससे, डोनेशन के थ्रू। तो फुल तो डोनेशन के थ्रू हो जाएंगी, और जो वैकेंट सीट है ना उसकी, अगर ऐसे 5 वैकेंट सीटें हैं तो 5 कॉलेजों के बारे में, वो 5 सीटों के बारे में दे रखा होगा, और 10 वैकेंट सीटें हैं तो 10 सीटों के बारे में यहाँ ऐसे दे रखा होगा। तो इस प्रकार आपकी जो सीट मैट्रिक्स है, उस सीट मैट्रिक्स से आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि 170 पूरी कॉलेजों में से कितनी कॉलेज में कौन कौन सी सीटें खाली हैं, कितनी क्या है, जिससे आपको और आसानी रहेगी काउंसलिंग करवाने में। और आपकी काउंसलिंग हम बताएंगे किस प्रकार करनी है आपको काउंसलिंग, पहले ये देख लीजिए आप। और दोस्तों, आपको काउंसलिंग कब करवानी है, 18 तारीख से लेकर आपको काउंसलिंग करवानी है 23 तारीख तक, 18 से 23 तक आपको काउंसलिंग करवानी है दोस्तों। यानी आपको काउंसलिंग करवाने के लिए 5 डे का टाइम दिया जाएगा, 5 दिन के अंदर अंदर आपको काउंसलिंग करवानी है, एनी हाउ कंडीशन। तो देख सकते हो दोस्तों, आपको काउंसलिंग का जो है 5 डे का टाइम मिलेगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर चॉइस फिलिंग ऑफ द कॉलेज एंड कोर्स ऑनलाइन एट द आरयूएचएस वेबसाइट, कैंडिडेट एलिजिबल टू द पार्टिसिपेट सेकंड अलॉटमेंट लेटर प्रोसेसिंग। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये 18 से 24 तक 11:50 PM तक क्या कर सकते हो आप, आपका जो है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। वेबसाइट पर अलॉटमेंट लेटर की जो गाइडलाइन है वो अवेलेबल कर दी जाएगी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सेकंड राउंड का जो है अलॉटमेंट लेटर उसकी जो है वो वेबसाइट पर प्रोसेस कर दी जाएगी, गाइडलाइन दी जाएगी, ठीक है ना। पब्लिशिंग अलॉटमेंट लेटर इन्फॉर्मेशन वेबसाइट टू अनाउंस लेटर, अभी बाद में आएगी इसकी लेटर, जो अलॉटमेंट लेटर उसकी इन्फॉर्मेशन अभी बाद में आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। प्रिंटिंग अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, इसकी प्रिंट कब निकालनी होगी, तो इसकी भी बाद में अनाउंसमेंट होगा जो भी आरयूएचएस के द्वारा होगा, तो वो उसको हम बाद में बता देंगे आपको, ठीक है ना। तो आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा, 18 से लेकर 24 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है ना। चॉइस फिलिंग करनी है आपको 18 से लेकर 24 तारीख तक, तो आपके लिए 5 से 6 डे का टाइम दिया जाएगा। तो इसमें आपको जो है सेकेंड राउंड का जो शेड्यूल है वो सारी आपको दे देनी है, ठीक है ना। और देख सकते हो दोस्तों, आपको जो भी काउंसलिंग करवानी है, तो आपकी जो भी स्टूडेंट है जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनकी काउंसलिंग हम करवाएंगे अच्छी तरह से, और उनको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है काउंसलिंग में। अब कि आपको, अगर आप सोच रहे हो कि इसमें 3rd राउंड होगा, इसमें 3rd राउंड नहीं होता है, इसमें 2 ही राउंड होते हैं, तो आपको कॉलेज में जल्दबाजी नहीं करनी है फिल करने में, और आप अच्छे से काउंसलिंग करवाना, और आपको हम गाइड करेंगे आपको किस प्रकार कॉलेज में काउंसलिंग करवानी है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने अदर फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें दबा के। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।